इन बार चुनाव रोचक यूं भी मान रहा है कि इन बार डूडी साहब रे परिवार साथे लोग कह रहा कि सहानुभूति रो फैक्टर काम करेला और आप किन मुद्दा में चुनाव लड़ रहा हो जिन जनता आप रे ऊपर बड़े विश्वास करी। कांग्रेस का राज था, आप यहाँ के MLA थे और जनता ये प्रश्न पूछना चाहती है कि 5 साल बिहारी जी ने कौन कौन से काम करवाए हैं, आप गिनाना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि हमने चेहरा घोषित कर दिया कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी जी और कमल के नाम पे वोट दो, तो जनता कह रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये गुमसुराहट चल रही है कि बीजेपी के अंदर इस बार 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक वसुंधरा लोबी काम कर रही है, एक संघ लोबी है, तो ये आवाज़ क्यों उठ रही है? आप भारतीय जनता पार्टी के अब उम्मीदवार हैं और आपको पूछा जाए कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस मिशन पे जा रही है और कांग्रेस किस मिशन पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं गरीब और किसान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म का मुद्दा सबसे आगे ला रही है, तो ये हवा, ये फैक्टर क्यों? नौका की जनता के साथ साथ में पूरे प्रदेश की जनता आपको सुन रही है और कौन से मुद्दे हैं जो आज भी आपके नौका में इन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके ऊपर आप ये चुनाव के मुद्दे लेकर जाएंगे और जनता के बीच में कहेंगे कि ये आपके मन में है और काम करवाने? एक मैं पूछना चाहूँगा, आज तक आपका राजनीतिक कैरियर कितना रहा है और किस तरीके से राजनीतिक में आप यहाँ तक पहुँचे हैं? लोग ये भी कहते हैं कि बिहारी जी बहुत बेबाक बोलते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे, शुरू से आपका ज़्यादा जीवन किससे जुड़ा हुआ? एक प्रश्न बड़ा तेज़ी से उठ रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से या आपके ग्रुप की तरफ से कि रामेश्वर डूडी का स्वास्थ्य नरम है और उनकी धर्मपत्नी टिकट लेकर आई है, तो कि उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या विचार है, ये बात क्यों उठ रही है? अबार आपारे साथ है नौकरा विधायक बिहारी लाल जी विष्णोई और इन बार भारतीय जनता पार्टी आपने भरे टिकट दे परा और जनता रे बीच मैंने भेजा है, खूब सारा अपन सवाल पूछाला नौकर मैंने, इन बार चुनाव है वे बड़ा रोचक है। एक तरफ तो रामेश्वर डूडी जहाँ धर्मपत्नी सुशीला डूडी चुनाव रे मैंने है और वे इस फैक्ट्री माते चाल रहा है कि सहानुभूति मिले रहा, और दूसरी तरफ बिहारी लाल जी विष्णोई जगह विधायक है और विकास रे मुद्दे माते चुनाव लड़ रहा है, तो खूब सारी चर्चा अपन बिहारी लाल जी साथ कर और मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी नौका विधानसभा क्षेत्र हो तो आप कमेंट करो और वीडियो शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखो कि इन बार नौका विधानसभा में चुनाव और समीकरण कहीं है। पहले तो साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने पार्टी बड़े टिकट देने आपने भेजा है। योगी जी थारा धन्यवाद है और मैं धन्यवाद थारे साथ साथ नौका की 36 बिरादरी की जनता को भी करना चाहूँ और मारा सगड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को करना भी चाहूँ कि वहाँ सगड़ा का आशीर्वाद हूँ जिसका 5 बरस राजस्थान की विधानसभा में विधायक के रूप में काम करने को मौको रही हो, तो राजस्थान की विधानसभा में किसान का, नौजवान का, नौखा की हर चौपाल की चिंता ने बट रखी और बाँ खातर सदन में लड़ाई लड़ी, बाँ खातर सड़क पर लड़ाई लड़ी और बिंगो ही नतीजो है कि अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों मिलकर विश्वास जता और मैंने कार्यकर्ता ने दोबारा टिकट देर जनता के बीच ही भेजो है, तो इन खातर मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों को धन्यवाद करूँ और मारा 36 बिरादरी का नौका निवासियों को धन्यवाद करूं और मारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को धन्यवाद करूं कि बांगे बीच में लगातार 15 बरस दिन रात आप काम कर रही हैं और बिंगो नतीजे है कि कार्यकर्ता को और पार्टी को विश्वास कायम। नौका रा चुनाव इन बार बड़ा रोचक होने जा रहा है, एक तरफ बिहारी लाल जी 5 साल राज कर परा और वापस टिकट लेने आया और दूसरी तरफ रामेश्वर जी डूडी स्वास्थ्य नरम हुआ यार बहादुर महीने पारी परिवार ने पार्टी टिकट दे रही है, तो आप कितनी चुनौती मान रहे हो? देखिए थे कह रही हो 5 साल राज, देखो मैं तो 5 साल जनता की सेवा करिए काम करियो, राज तो ला रहे मारो पहले 14 विधायक रिया 70 साल कर गया, मैं पूरा 5 साल 365 दिन लगातार जनता को काम और सेवा ही में निकाला है और राजस्थान में भी राज हमारी पार्टी को कोनी हो, कांग्रेस को राज हो, फिर भी विरोधी राज में भी जनता के मुद्दा ने प्रमुखता उठाया और जनता की बे मांगा भी आप काम पूरी कराई है जिकी आज भी प्रक्रिया में चल रही है, समय पर पूरी हो सी जिकी 70 वर्षों जनता उम्मीद करे, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे शिक्षा की, चिकित्सा की, कोई बात हो, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में आपना पूरा 5 साल लग गया है। इन बार चुनाव रोचक यूँ भी मान रहा है कि इन बार डूडी साहब रे परिवार साथे लोग कह रहा कि सहानुभूति रो फैक्टर काम करेला और आप किन मुद्दा में चुनाव लड़ रहा हो जिन जनता आप रे ऊपर बड़े विश्वास करी?
देखो साहब, डूडी साहब जिस दिन बीमार हुआ आ बड़ी दुख की बात ही, आज भी दिन ले, आज भी मैं भगवान को प्रार्थना करा कि वो जल्दी स्वस्थ हो, जनता के बीच में आवे और ये मुँह पर सहानुभूति जैसी कोई बात को नहीं, क्योंकि मैं परंपरागत राजनीतिक परिवार है। जेठाराम जी 30 साल कांग्रेस की राजनीति करी, बांगे जाने के बाद बांगे परिवार में बांगे बेटा रामेश्वर जी आ गया, बे 30 साल राजनीति करी, बीमार हो जाने बांगे परिवार हूँ, धर्मपत्नी सुशीला देवी जी आ गया। तो आप वंशवाद और परंपरागत राजनीति है, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोई मौको मिलियो को नहीं, वो मांग अंदरूनी मसलो है, पर सहानुभूति जैसी कोई बात को नहीं। मैं तो खुद उम्मीद करा कि भगवान को प्रार्थना भी करा कि रामेश्वर जी जल्द स्वस्थ हुए, और ये कठिन घड़ी में हमारे स्वामी जी का कांग्रेस उम्मीदवार है, बा ने धर्मपत्नी के रूप में रामेश्वर जी की सेवा में लागना चाहिए, बाकी सेवा करनी चाहिए। भाई हमारा किसानों के साथ उठन बैठन वाला आदमी है, हमारा पार्टियां भले ही अलग हुए, मतभेद अलग हुए, बात बात अलग हुए, विचारधारा अलग हुए, पर मैं हमारे बीच का है, मैं चाहवा सब स्वस्थ और जनता के बीच में आवे, और निश्चित रूप मौके पर परिवार ने और सुशीला जी ने बांके साथ खड़ो रहना चाहिए, बांके सेवा में लगना चाहिए, ताकि वहाँ स्वस्थ कर जनता के बीच ला सके। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं इतनी योजना लेना आया कि जनता माने वापस चुनाव और मैंने जिताई, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो 25 तारीख को राजस्थान की जनता तय कर देगी, जब कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, और जब राजस्थान और देश और प्रदेश दोनों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार हो सी, तो निश्चित रूप राजस्थान की विकास की गति रुकड़ी वह आगे बढ़ सी, राजस्थान में जो कानून व्यवस्था खत्म होगी भी कानून व्यवस्था के ऊपर काम हो सी, अपराधियों में डर पैदा हो सी, अपराधी सलाहकार के पीछे जा सी, राजस्थान में काम करने को बिजनेस करने को वातावरण पैदा हो सी, महिला सुरक्षित, दलित सुरक्षित, किसान सुरक्षित, इन सारी बात सगड़ी बातों पर काम हो सी, राजस्थान में परिवर्तन की बयार है, और कांग्रेस के जंगल राज ने जनता उखाड़ फेंकना चाहे, और 25 नवंबर ने। लेकिन कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम ऐसी योजना लेकर आए, चिरंजीवी योजना है, पैकेट बांटने वाली योजना है, या क्या कहेंगे इन योजनाओं के ऊपर? देखिए सगड़ी योजना वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी के राज में चले, कांग्रेस 5 वर्षा में वही काम करियो, माँ योजना ने बंद करनी, माँ योजना ने नए नाम चालू करनी, ये तो ही काम करियो, और 5 साल आपकी कुर्सी बचाने में और कुर्सी की खेंचताण में निकाले है, और जब राजस्थान में एक मुख्यमंत्री होया करे, पर कांग्रेस में तो 201 मुख्यमंत्री आ आंगो सत्ता पक्ष को हारूड़ो जीतोड़ो विधायक मुख्यमंत्री जितनी पावर रखो, और इतनी अराजकता पूरे राजस्थान में रही है, इतनी लूट खसोट, इतो अवैध माइनिंग, इतना घपला घोटाला और भ्रष्टाचार राजस्थान में रही है, जिनको कोई धड़ी धोरी को नहीं, राजस्थान की प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, किसान त्राही त्राही है, नौजवान पेपर लीक के मामले में बर्बाद हो गया, बांगे घर वाला कितनी मेहनत हूँ मैंने पढ़ा लिखा भेजा, बार बार पेपर लीक हूँ मांगी, कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, ये राजस्थान की सरकार में कोई व्यवस्था नहीं, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, और ये इस परिवर्तन में जनता तय कर देगी 25 नवंबर को, जब इस सरकार को परिदृश्य से ही आगे हटा देगी। कांग्रेस का राज था, आप यहाँ के MLA थे, और जनता ये प्रश्न पूछना चाहती है कि 5 साल बिहारी जी ने कौन कौन से काम करवाए, आप गिनाना चाहेंगे? देखिए मैं तो आपको क्या गिनाऊँ, आप किसी भी जन सरोकार के बीच जाएंगे, आम जन के बीच जाएंगे, नौजवान के बीच जाएंगे, वो खुद लंबी फहरिस्त लिए खड़ा है कि हमारे विधायक ने राजस्थान की विधानसभा में हमारे हिस्से जुड़े हुए नोखा के गाँव शहर ढाणियों से जुड़े हुए इन इन मुद्दों को और अनेकों एक नहीं सैकड़ों मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा में उठाया। सबसे ज़्यादा सवाल राजस्थान की विधानसभा में नौका के हक और हकूक को लेकर पूछे, सबसे ज़्यादा राजस्थान की विधानसभा में डिबेट में विधेयक बनाने में डिबेट में भाग राजस्थान की विधानसभा में नौका के विधायक ने लिया, और उसी का नतीजा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा में, सड़क में, पानी में, बिजली में आमूलचूल परिवर्तन नोखा में देखने को मिला है। इतने काम नोखा को सौगात मिली है, वो केंद्र प्रवृत्ति योजनाओं से हो, दोनों सरकारों की सहयोग योजनाओं से हो, उन कामों को हमने अमली जमा पहनाने का काम किया, शुरू करवाया है, कुछ पूरे करवाए। कांग्रेस कह रही है कि हमने चेहरा घोषित कर दिया कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी जी और कमल के नाम पर वोट दो, तो जनता कह रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राजस्थान में कमल का निशान चुनाव लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप पे विश्वास करने वाली पार्टी है, कैडर बेस कार्यकर्ता की पार्टी है, और जब देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसा सक्षम और लोकप्रिय नेतृत्व मौजूद है, जो देश ही नहीं
दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके नेतृत्व में कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस को इस राजस्थान की सत्ता से हटा के दम लेगा। ये गुमसुराहट चल रही है कि बीजेपी के अंदर इस बार दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक वसुंधरा लोबी काम कर रही है, एक संघ लोबी है, तो ये आवाज़ क्यों उठ रही है? ऐसा कपोल कल्पित बातें हैं, ये कहीं ना कहीं मीडिया की दिमाग की उपज हो सकती है। ऐसा राजस्थान में कुछ भी नहीं है और वैचारिक पृष्ठभूमि से, वैचारिक सिद्धांत से पोषित, विचार परिवार से पोषित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यवस्था परिवर्तन में लगा हुआ है। इस देश में दशा और दिशा बदलनी चाहिए। आगामी जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा ध्येय है और दुनिया एक है, एक परिवार है, ये जो है उसके लिए हमारा नेतृत्व लड़ाई लड़ रहा है। और आज 9-10 वर्ष में नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया को ये एहसास करा दिया कि भारत माता अपने परम वैभव की ओर लौट रही है, पुराने वैभव की ओर भारत अग्रसर है, पुराने दिनों की ओर हम लौट रहे हैं, गौरवशाली भारत के इतिहास की तरफ हम लौट रहे हैं कि आने वाला समय हमारा पिछड़ जो हमें भी तो कैसा था, आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। ये स्थितियाँ G20 के माध्यम से आपने देखी होगी, भारत को मिलिट्री पिछला 23 मिलिट्री रूप में मनाया वो देखा होगा, UN में हम योग दिवस को 21 सितंबर में मना पाए वो आपने देखा होगा। तो ये सारी बातें भारत की ताकत को साबित करती है, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से हो, चाहे विदेश नीति के मामले हो, चाहे सामरिक दृष्टि से हो और चाहे आंतरिक आधारभूत विकास की दृष्टि। आप भारतीय जनता पार्टी के अब उम्मीदवार हैं और आपको पूछा जाए कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस मिशन पे जा रही है और कांग्रेस किस मिशन पे चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है, प्रदेश को विकास की गति में आगे ले जाने के लिए काम कर रही है और इस देश और भारत माता के स्वाभिमान को और ऊंचा करने के लिए काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं और कांग्रेस की सरकार जो देश और समाज को जाति में धर्म में बांटने का काम करती है, उन सारी बातों से, सारे वादों से ऊपर उठते हुए किसी तरह का कोई वाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ एक वाद जानता है, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता का वैभव हमारे लिए सबसे बड़ा है, उसके बाद प्रदेश है, उसके बाद व्यक्ति है, उसके बाद परिवार है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं गरीब और किसान के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म का मुद्दा सबसे आगे ला रही है, तो ये हवा, ये फैक्टर क्यों चल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ किसान और दलित के नाम पे और अल्पसंख्यकों के नाम पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इन 70 वर्षों में की है, विकास से दूर दूर तक लेना नहीं, विकास का वो नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के नेतृत्व में PMGSY योजना, कल्पना करिए भारत सड़कों से जुड़ गया, गांव गली तक सड़कें हो गई, धोरों में सड़कें हो गई, आवागमन साधन हो गया, विकास को ताकत मिली, आधारभूत संरचनाओं का स्तर देखिए। जब आज हम अमेरिका के बराबर एक दिन में रोडें बना रहे हैं और हमारा रोडों का स्ट्रक्चर गडकरी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका से भी सुदृढ़ हो गया है, तो कहाँ किस आज हम चांद मिशन पर दक्षिण ध्रुव, चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला हमारा पहला देश दुनिया का भारत बन गया, कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भारत बन गया जिसने दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन लगवाई, तो कहाँ मुकाबला है? नौका की जनता के साथ साथ में पूरे प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, और कौन से मुद्दे हैं जो आज भी आपके नौका में इन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके ऊपर आप ये चुनाव के मुद्दे लेकर जाएंगे और जनता के बीच में कहेंगे कि ये आपके मन में है और काम करवाने? देखिए, हमने विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष की सरकार होते हुए भी विधानसभा के प्लेटफार्म का भरसक उपयोग किया और उसका नतीजा है कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में नौखा में एक जिला अस्पताल स्वीकृत करा पाए, बजट केंद्र सरकार से हम ले पाए, हम 2 CSC स्वीकृत करा पाए, हम 7 PSC स्वीकृत करा पाए, अनेकों सब सेंटर स्वीकृत करा पाए, ये तो हेल्थ स्ट्रक्चर को आमूलचूल बदलने का काम हम कर पाए। और दूसरा, सड़क के मामले में हमने इतने काम किए हैं, चाहे हमारा NH-87A हो जो मोखा से लेकर सारुंडा तक 105 किलोमीटर की लंबाई में उसको डबल चौड़ा, करोड़ों रुपये की परियोजना ये पूरी होने जा रही है, चाहे हमारा ये बीकानेर से लेकर नागौर 108 किलोमीटर का NH-62 का मामला हो जो अटका पड़ा था वो पूरा हो गया, नौखा का बाईपास चारों फाटकों पे नागौर बीकानेर के बीच में फ्लाईओवर, और सड़कों के मामले में गाँव में 25-25, 35-35 किलोमीटर लंबी सड़कें जो गाँव को जोड़ती है, आपस में पंचायत समिति को जोड़ती है, तो धार्मिक स्थलों को सेंगाल जैसे मंदिर को मुख्य पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ने वाले, ऐसे अनेकों काम हमने सड़क तंत्र में भी किए हैं।
और शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारी शिक्षा को एक ऊंचे पायदान तक लेके गई थी, इस सरकार ने उसको वापस से गर्त में डाल दिया है। इसके लिए भी हमने सड़कों पर संघर्ष किया है। और पानी के मामले में 70 वर्षों से नोखा में नहर के पानी की मांग थी, हमारी धरती के नीचे से नागौर पानी चला गया, जायल डीडवाना पानी चला गया, हम प्यासे के प्यासे रहे। इन वर्षों में केंद्र के जल जीवन मिशन की सहयोग से, दोनों सरकारों के सहयोग से हमने 750 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत करा ली। नोखा में विकास वर्ष के नाम पर कई लोग राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति का नतीजा ये निकला कि बिना एसटीपी और एसपीएस के उन्होंने सीवर लाइनें डाल के शहर को कचरे के ढेर बना के छोड़ दिया। आज घरों में पानी निकल रहा है, मोहल्लों में पानी भर रहा है। उन परिस्थितियों से जूझते हुए सदन में हमने इस बात को उठाया और 153 करोड़ की परियोजना आरयूडीपी 4th के नाम से हमने, जो लेट हो रही थी, हमारा ट्रेन सेकंड में फर्स्ट में नंबर नहीं आया, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी, इसको भी स्वीकृत करा लिया। आज नोखा में पेयजल के लिए और सीवरेज सिस्टम के लिए 2 एसटीपी और 1 एसपीएस के लिए 155 करोड़ की परियोजना चल रही है। ये तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताया। बाकी किसान की जो टिड्डी के मामले संकट में हमने साथ खड़े होने का काम किया, पूरे राजस्थान को लीड करने का काम किया। लंपी पशुपालन पर गोवंश पर संकट आया तो उसमें पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को लीड किया। चाहे ये कोरोना काल में प्रवासी साथियों को, भाइयों को जो हमारे बाहर थे, संकट में थे, उनके साथ दिन और रात खड़े होने का काम किया। 21,000 प्रवासी नोखा में आए, उनको साथ खड़े होकर उनकी बात सुख दुख में खड़े होने का काम किया। ये जो कुछ काम हम कर पाए और जो कुछ काम अभी भी बहुत से बच्चे हैं नोखा के लिए, मन में बहुत सारी बातें हैं कि नोखा को बहुत से आगे बढ़ाना है, नोखा के मान को और ऊंचा करना है। तो उसके लिए जो हमारा किसान है, कृषि मंडी की हमारी समस्या है कि हमारे किसान की आवक के लाने रखने के लिए जगह नहीं है, मंडी छोटी पड़ रही है। एक नई कृषि मंडी हो, फल सब्जी मंडी अलग हो, मोठ हमारी मुख्य फसल है तो मोठ के लिए एक अलग मोठ मूल्य संवर्धन आयोग बने और मोठ की मंडी भी अलग बने। इन सारी बातों में किसान के लिए लड़ाई लड़नी है, व्यापारी के लिए लड़ाई लड़नी है। हमारा नवलीगेट का फाटक हमने स्वीकृत तो करा लिया लेकिन अभी बनना शुरू नहीं हुआ, टेंडर प्रक्रिया बाकी है, उसको भी करना है। राजस्थान फाटक को भी इस सुविधा से जोड़ना है और इस तरह की अनेकों बातें हैं जिनके लिए पांचों में हमारा कॉलेज खोलने का भी हम कर नहीं पाए। इस बार अगली बार पांचों में कॉलेज का भी एक नई पंचायत समिति बना के छोटी पंचायतें करके पंचायत राज को भी दुरुस्त और स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। तो अनेकों जन सरोकर के काम हैं जो अभी भी बाकी है, जिनके लिए हमें खूब काम करना है। इसलिए नोखा की जनता से आग्रह, मैं पार्टी ने विश्वास करके कार्यकर्ता के रूप में आशीर्वाद देके मुझे सिंबल दिया है, प्रत्याशी बनाया है और नोखा की जनता आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए उनके कार्यकर्ता के काम को देखते हुए पूरी ताकत से आशीर्वाद देगी तो राजस्थान की विधानसभा में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इन बचे हुए जन सरोकार के मुद्दों को भी त्वरित गति से पूरा कराएंगे। यही हमारी विशेष बात करें, अगर आप पार्टी उम्मीदवार बनाए, जो विशेष तौर से मारवाड़ में जो बीजेपी पार्टी ने उम्मीदवार बनाए उन्हीं चेहरों के ऊपर विश्वास किया है जो पिछली बार ज़्यादातर उम्मीदवारी के रूप में है, तो ये पार्टी ने किस हिसाब से चुनौती दी है या किस हिसाब से मैदान में उतारा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व ने, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व, उन्होंने बड़ा ठोक बजा के, बड़ा विचार मंथन करके और कई तरह के सर्वे करवा के फिर ये उम्मीदवारियाँ तय की है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया है और जनता में उन लोगों की स्वीकार्यता है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चयन पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। एक मैं पूछना चाहूँगा, आज तक आपका राजनीतिक कैरियर कितना रहा है और किस तरीके से राजनीतिक में आप यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए साहब, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई लंबा चौड़ा कैरियर नहीं है। मैं छात्र राजनीति से आया, कॉलेज के अध्यक्ष से, विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव के लेके और युवा मोर्चे में प्रदेश की टीम उपाध्यक्ष से लेके मेन बॉडी की कोर्ट उस प्रदेश कार्य समिति से लेकर अनेकों बार अनेकों अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला। संगठन में जिला अध्यक्ष के, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, जिला महामंत्री के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, जिला प्रभारी के रूप में भी संगठन का काम करने का मौका रहा और पार्टी ने 2008 में चुनाव लड़ा, तब से लेकर हमारी ये छोटी सी राजनीतिक यात्रा है। अनेकों उतार चढ़ाव आए, सरकार जनता का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो हम जूझते रहे, देर सवेर कामयाबी हुए, जनता के काम करने का मौका मिला तो खूब जम के जनता के बीच खड़े होके उनके सुख दुख में हाजिर रहते हुए काम भी किए। आपका प्रॉपर गांव कौन सा है? मेरा गांव यहां से 12 किलोमीटर पश्चिम में खारा गांव है। और निवास स्थान गांव में ही है या नोकम? ये घर दादाजी ने मेरे जन्म मेरी पैदाइश से ये घर बराबर का ही है,
तो मैं दादाजी का इस घर में, मैं चाचा जी के किस घर में रहता हूँ और गांव में रखा रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बिहारी जी बहुत बेबाक बोलते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे, शुरू से आपका ज़्यादा जीवन किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं छोटी क्लासों से मैं विद्या भारती का छात्र रहा हूँ, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ। और मैं एक गर्व की बात है कि जहाँ संस्कार मिलते हैं, जहाँ ये सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, और उन बातों को सीख के हम छोटे से बड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है और इस देश के लिए, आम जन की बहबूदी के लिए जो हमसे बन पड़ता है, वो वैचारिक ताकत हमें वहाँ से मिलती है और उनके लिए देश को खड़ा करने के लिए, देश के लिए जो भी काम बन पड़े हम करते हैं। एक प्रश्न बड़ा तेज़ी से उठ रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से या आपके ग्रुप की तरफ से कि रामेश्वर डूडी का स्वास्थ्य नरम है और उनकी धर्मपत्नी टिकट लेकर आई है, तो कि उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या विचार है, ये बात क्यों उठ रही है? देखिए, ये तो कोई आज नहीं उठ रही, ये तो भी नोखा में और इस कांग्रेस पार्टी में परंपरागत वंशवाद की राजनीति है, वो नोखा में पिछले 70 वर्षों से नोखा का जनता देख रही है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो मैं ये सबको यही उम्मीद थी और ये हो रहा है। इस बात के पीछे तो सहानुभूति का फैक्टर, आवाज़ फैल रही है कि सहानुभूति मिलेगी, तो आप सहानुभूति वाला क्लियर करो कि जनता उनके पीछे जाएगी या नहीं जाएगी, चुनौती कितनी भारी चुनौती है? देखिए, वो तो जनता पे छोड़ दीजिए, जनता 25 तारीख को क्लियर कर देगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। धन्यवाद। थैंक यू।